सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग नटरंग जम्मू की ओर से आयोजित इस वेब्स व्याख्यान माला में अपने विचारों को साझा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो विषय व्याख्यान के लिए रखा गया है वो है मेरी रंग दृष्टि। रंग दृष्टि को समझने का या समझाने का एक आसान तरीका तो ये होता है कि व्याख्यानकर्ता अपने रंग अनुभव साझा करें। लेकिन एक दूसरा तरीका और होता है, हो सकता है, जिसमें हम तात्विक रूप से कुछ शाश्वत बातों को एक दूसरे के साथ समझने की प्रक्रिया में लेकर जाएं। नाटक करने वाले आधुनिक रंगकर्मी अधिकांशतः रंग शब्द से परिचित नहीं है। हम अक्सर बातचीत में अपने आप को रंगकर्मी कहते हैं, लेकिन अक्सर हम जब हमसे कोई ये प्रश्न पूछता है कि आप नाटक क्यों करते हैं या नाटक करने का उद्देश्य मनोरंजन करना है, तो अधिकांश रंगकर्मी इस बात पे नाराज हो जाते हैं। और लगभग उन सबका एक ही उत्तर होता है कि नाटक मनोरंजन नहीं करता, नाटक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी को वहन करता है, वो सामाजिक परिवर्तन की दिशा में समाज को लेकर जाना चाहता है। लेकिन यदि हम इस रंग शब्द को समझें
हमें पता लगेगा कि नाटक का तो केंद्रीय भाव रंजन करना ही है। ये जो रंग शब्द है मित्रों, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ कलर नहीं है, इसका अर्थ वर्ण भी नहीं है, रंग शब्द की जो व्युत्पत्ति हमारे शास्त्र बताते हैं, रंजयति इति रंग, जो रंजन करे वो रंग है। इसलिए हम जिस कर्म से जुड़े हुए हैं उसका मुख्य कार्य है रंजन करना, मन को आनंद पहुंचाना। अब उस बात को भी समझना जरूरी है कि हम मनोरंजन के नाम पर नाराज क्यों हो जाते हैं, और उसका एक रेफरेंस भी हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है जिसमें नाटक का हमारा जो आधार ग्रंथ नाट्य शास्त्र शामिल है, उसमें वो संकेत दिया हुआ है, उसके प्रारंभ में भी और उसके अंत में भी। लेकिन वहां उसे एक अलग शब्द से अभिव्यक्त किया गया है, और वो शब्द है ग्राम्य धर्म। ग्राम्य धर्म में प्रवृत्त होने के कारण ही देवताओं ने ब्रह्मा से मनुष्यों के लिए एक क्रीडनीयक की मांग की, यानी एक खेल की मांग की, ताकि वो उस ग्राम्य धर्म में जो प्रवृत्त हुए हैं उससे बाहर निकल सके। और नाट्य शास्त्र के अंत में अभिनेताओं को जो ऋषि श्राप देते हैं उसका भी कारण ग्राम्य धर्म में अभिनेताओं का प्रवृत्त होना ही बताया है। तो ग्राम्य धर्म क्या है जिसकी वजह से नाट्य की उत्पत्ति भारतीय परंपरा में बताई गई है, और जिसके कारण से कालांतर में अभिनेताओं को शापित होना पड़ा? हम जब अपनी रंग दृष्टि की बात करते हैं मित्रों, तो हमें ये समझना पड़ता है कि दृष्टि बनती कैसे है। दृष्टि का अर्थ सीधा सीधा देखना है, लेकिन जब हम कहते हैं रंग दृष्टि तो उसका अर्थ थोड़ा बदल जाता है। उसमें आपका अनुभव,
आपका इतिहास, आपकी परंपरा, ये सारे शामिल होते हैं। जब हम रंग दृष्टि की बात करते हैं तो बगैर भारतीय परिवेश के हम अपनी रंग दृष्टि को प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे। हमारी जो भारतीय रंग परंपरा रही है उसमें नाट्य से क्या अपेक्षा की गई और दूसरी बात ये कि नाट्य विधा अपने प्रयोक्ताओं से क्या अपेक्षा करती है। हमारी थिएटर को लेकर जो अप्रोच बनती है वो इन सब चीजों से जुड़ के बनती है। क्योंकि नाट्य का अर्थ है जीवंतता, नाट्य का अर्थ है निरंतर परिवर्तनशीलता। नाट्य का अर्थ है अपने स्व को जानना और अपने स्व को जानकर पूरे प्रेक्षक समाज तक उस भाव को पहुंचाना जिसमें वो अपने स्व को जान सके और उसका विस्तार कर सके। भारतीय परंपरा में मित्रों नाट्य के प्रमाण रूप में तीन चीजों की अनिवार्यता बताई गई है। पहली चीज है लोक, दूसरी चीज है वेद और तीसरी चीज है अध्यात्म। यानी भारतीय परिवेश में काम करने वाले लोगों की कोई भी रंग दृष्टि निर्मित होती है या विकसित होती है तो इन तीन चीजों के संयोग से वो संभव हो पाती है। और आधुनिक रंग कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो नाट्य का वेदों से या अध्यात्म से कोई संबंध जोड़ पाए या कोई संबंध ढूंढ पाए। तब होता यह है मित्रों कि हिंदुस्तान में
रंग कर्म के क्षेत्र में सक्रिय हम तमाम लोग महज गर्व करने के लिए तो अक्सर ये कहते हैं कि भारतीय नाट्य परंपरा वेदों से विकसित हुई है, लेकिन हम स्वयं भी कभी अपनी रंग दृष्टि को विकसित करने में उन वेदों की या अध्यात्म की कोई भूमिका सोच पाते हैं। अक्सर तो होता यह है कि आधुनिक रंग कर्म करने वाले अधिकांश लोग नाट्य शास्त्र का नाम भर सुना होते हैं, नाट्य शास्त्र को पढ़ा नहीं होता है, और जिन्होंने नाट्य शास्त्र का अध्ययन किया लेकिन वो भी ये समझ नहीं पाते हैं कि जो नाट्य शास्त्र कह रहा है कि मैंने ये जो नाट्य नामक पंचम वेद का निर्माण किया है उसमें भारतीय परंपरा के जो आधार स्तंभ हैं चार वेद, उन चार वेदों से मैंने ये चार चीजें ग्रहण की। तो हमारा जो फाउंडेशन है मित्रों, वो मजबूत नहीं होता। आप यदि नाट्य शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि नाट्य शास्त्र के 35वें अध्याय में निर्देशक के लिए जो अनिवार्यताएं बताई गई है वो बहुत कठिन है। निर्देशक नाम तो आज हम इस युग में 19वीं सदी में आया, अन्यथा हम उसे सूत्रधार कहते थे या नाट्याचार्य कहते थे, लेकिन उसकी योग्यता क्या? क्योंकि जिसे हम रंग दृष्टि कहते हैं वो असल में उस निर्देशक का देखना है। नाट्य का केंद्र या कि नाट्य का माध्यम अभिनेता है, निर्देशक नहीं है। लेकिन नाट्य आज निर्देशक के नाम से पहचाना जाता है, क्या ये विडंबना नहीं है? वो माध्यम ही अभिनेता का है। अगर हम नाट्यमय से जो नाट्य के लिए आधुनिक युग में भी और प्राचीन काल में भी जो ये कहा गया है कि दो चीजें अनिवार्य है नाट्य के लिए, एक अभिनेता एक प्रेक्षक, एक भूमिका करने वाला दूसरा उसे देखने वाला। इसलिए जो कुछ अभिव्यक्त हो रहा है, जिसके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है और जिसे हम जीवंतता कहते हैं, उस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मित्रों।
जिसे हम एक्टर कहते हैं। नाट्य के क्षेत्र में अभिनेता किस परंपरा को लेके खड़ा है, भारतीय संदर्भों में बात कर रहा हूं मैं, अगर हम अपनी भारतीय परंपरा को समझें जो नाट्य शास्त्र कह रहा है, तो आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी, आश्चर्य भी होगा, खास तौर से जो एक्टर हैं उनको, कि उनकी परंपरा, उनकी ट्रेडिशन कहां से निकलती है। जैसे आज यदि मैं एक नाट्य लेखक के रूप में अपनी परंपरा को समझने की कोशिश करूं, तो मैं ये कहूंगा कि मैं कालिदास की परंपरा में खड़ा हूं, मैं भास की परंपरा में खड़ा हूं, शूद्रक या आधुनिक युग में आते हैं तो हम कहेंगे मोहन राकेश, विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, चंद्रशेखर कंबार, कई नाम है, हम उस परंपरा में खड़े हैं। और हम गौरवान्वित अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारी कितनी समृद्ध परंपरा है। तो इसी तरह से अभिनेता जो है वो किस परंपरा में खड़ा है और उसका काम क्या है, आधुनिक युग में जो थिएटर में काम करते हैं एक्टर, वो अक्सर मेथड थ्योरी की बात करते हैं, स्तानिस्लावस्की की बात करते हैं, कुछ लोग होंगे वो ब्रेख्त की बात करेंगे, एक दूसरी थ्योरी है एलियनेशन की। कुछ लोग बायोमैकेनिक की बात करेंगे। कुछ लोग ग्रेटावस्की की बात करेंगे। ये सब तो आधुनिक युग के थिएटर के विशेषज्ञ हुए। लेकिन हमारी जो अपनी भारतीय परंपरा है, क्या उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको हम सामने रख के कह सकें कि हम इस परंपरा से निकले हैं, या हमारी रंग दृष्टि इस परंपरा से गुजरती है, या हमारी रंग दृष्टि को बनाने में इन पुरोधाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि जब हम रंग दृष्टि की बात करते हैं तो वो केवल आज की उपज नहीं होती है, वो एक लंबी परंपरा का हिस्सा होती है। और परंपरा शब्द का अर्थ ही मित्रों किसी रुकी हुई चीज का बोझ ढोना नहीं होता, बल्कि परंपरा का अर्थ है जो निरंतर प्रवाहमान है, जो आगे से आगे उत्तरोत्तर विकास की ओर जाती है। हम लोगों की एक और बाधा है भारतीय परंपरा के नाट्य से संबंधित अधिकांश ग्रंथ संस्कृत में उपलब्ध है, हालांकि कई ग्रंथों के
हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद भी उपलब्ध है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग पढ़ने से कतराते हैं। प्रयोग करने की दौड़ में थिएटर तो परफॉर्मेंस है, तो हम ये कहते हैं कि करके दिखा सकता हूं। हम एक क्षण को भी ये नहीं सोचते कि मैं जो करके दिखा सकता हूं ये कह रहा हूं, उसकी अपनी ट्रेडिशन कहां से निकलती है। आज के मॉडर्न एक्टर्स की बात अगर करें और वो अगर मेथड एक्टिंग की बात करता है तो वो एक रेफरेंस देता है या देगा, स्टैनिस्लावस्की की जो बताता है अपनी थ्योरी को कैसे तैयारी करनी है। लेकिन भारतीय परंपरा में वो तैयारी कैसे करनी है, या कि आलेख से प्रस्तुति तक की यात्रा कैसे तय होती है, इसके क्या रेफरेंस हैं, क्या हमें वो नहीं जानने चाहिए? क्योंकि उसी से हमारी रंग दृष्टि का निर्माण होता है। और ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। देवताओं ने जब ब्रह्मा से मनुष्यों के लिए एक खेल की क्रीडनीय की मांग की, एक ऐसा खेल जिसे सभी वर्ण देख सकें और सुन सकें, वो पहला प्रयोग है मित्रों नाट्य, जो देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। इसलिए उसे भारतीय परंपरा में दृश्य श्रव्य काव्य कहते हैं। साहित्य के अन्य जितने भी दूसरे अनुशासन हैं वो श्रव्य परंपरा है। नाट्य एक ऐसा अनुशासन है जो दृश्य श्रव्य परंपरा है, देखना और सुनना। और उसमें जब चार वेद और चार वेदों से चार चीजें, ऋग्वेद से पाठ्य लिया गया, सामवेद से गान लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया और अथर्ववेद से रस लेकर ब्रह्मा ने पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की, ये हमारा नाट्य शास्त्र कहता है। यदि आज मैं किसी भी अभिनेता से ये पूछूं कि भारतीय परंपरा में अभिनय का यजुर्वेद से संबंध माना गया है, तो क्या उस अभिनेता ने यजुर्वेद पढ़ा? तो मैं गलती कर रहा होता हूं, क्योंकि एक्टर को लगता है कि मेरे को वेदों से क्या मतलब, मुझे आज के संदर्भ में आज की समस्याओं को आज के समाज के सामने प्रस्तुत करना है तो उसमें वेद कहां आते हैं। अब ये जानना तो जरूरी है, जानना चाहिए,
हम नहीं जानते तब भी हम काम कर रहे हैं ना, और हमें कोई ये नहीं कहता है कि हम ठीक काम नहीं कर रहे हैं। एक एक्टर जब अपने परफॉर्मेंस के बाद, कर्टेन कॉल के बाद, ऑडियंस में उसके चहेते जब उससे मिलने आते हैं, तो उसकी संतुष्टि अपने कार्य के प्रति हो जाती है। लेकिन तब भी तात्विक रूप से अभिनय की जो अवधारणा है, कंसेप्ट ऑफ एक्टिंग, उसे समझने के लिए मित्रों हमें यजुर्वेद को समझना पड़ता है। उसको समझने के लिए हमें अथर्ववेद को समझना पड़ता है, क्योंकि अथर्ववेद से रस लिया गया और नाट्य का उद्देश्य माना गया रस निष्पत्ति। आश्चर्य की बात यह है मित्रों, आधुनिक युग में बहुत प्रगति हुई हर अनुशासन में, लेकिन नाट्य की जो भारतीय परंपरा है उसकी जो वैचारिक स्थिति है उसमें कोई प्रगति नहीं हुई। हजार साल पहले अभिनव गुप्तपाद ने जो नाट्य शास्त्र की टीका लिखी, हजार साल बाद भी हम उसी पर खड़े हुए हैं। हमने कभी कोशिश नहीं की कि नहीं, हम इसको एक और तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि वो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इनके संदर्भ जब नाट्यशास्त्र दे रहा है तो क्या रिलेशन बनता है। मैं ये सारी बातें मित्रों रंग दृष्टि के संदर्भ में ही कह रहा हूं, क्योंकि जो रंग दृष्टि मेरी विकसित हुई वो इसी प्रक्रिया से निकल कर विकसित हुई। और इसको जानना बहुत मुश्किल काम है। वैसे भी जैसा मैंने आपसे कहा कि नाट्यशास्त्र में निदेशक के लिए जो लक्षण बताए गए हैं कि इन इन चीजों का उसे ज्ञान होना चाहिए, इस आधुनिक युग में आते आते हमने उनमें से कई चीजों के टुकड़े कर दिए। हमने ये मान लिया कि इतना सारा ज्ञान एक व्यक्ति के पास संभव ही नहीं है, लेकिन तब भी नाट्य शास्त्र आपसे अपेक्षा करता है जैसे वो निर्देशक से अपेक्षा करता है कि उसे स्वर का ज्ञान होना चाहिए। उसे ताल का ज्ञान होना चाहिए। वैसे भी जब हम ट्रेनिंग के प्रोसेस में एक्टर को ले जाते हैं तो हम उसे कोई अच्छा डांसर या अच्छा सिंगर बनाने की प्रक्रिया में नहीं जाते, हम उसे कहते हैं बेसिक समझ लो,
रिदम क्या है उसका बेसिक समझो, और स्वर क्या है उसका बेसिक समझो। क्या कारण है मित्रों कि हमारा जो लोक कलाकार है उसको इन दोनों चीजों में कहीं भी मुश्किल नहीं आती, लेकिन जो आधुनिक अभिनेता है वो इन दोनों ही बिंदुओं पर डगमगा जाता है। उसे स्वर का ज्ञान नहीं होता, जो भी निर्देशक इस तरह के नाटक करते हैं जिनमें संगीत नृत्य सब शामिल होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में नाट्य के लिए कहा गया है कि उसमें सभी कलाओं का संयोग होता है। वो पूर्ण या समग्र नाट्य कहा जाता है, और नट से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो ताल और सुर का जानकार हो। हम जब अपनी रंग दृष्टि विकसित करते हैं मित्रों, तो हमें लोक को समझना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, कि नाट्य शास्त्र नाट्य के प्रमाण रूप में तीन चीजें आवश्यक मानता है, लोक वेद अध्यात्म। लोक को समझना बहुत मुश्किल काम है, वेद और अध्यात्म को समझना तो उतना मुश्किल है ही। इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद और अध्यात्म को समझना आसान है, नहीं, वो भी मुश्किल है, लेकिन लोक बहुत विराट है। और हमारी परिभाषा क्या है नाट्य की? त्रिलोक के भावों का अनुकीर्तन है नाट्य। अब जब हम त्रिलोक के भावों की बात करते हैं मित्रों, तो वो केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। अर्थात हम जब लोक की बात करते हैं तो वो सिर्फ मनुष्य तक सीमित नहीं है, इस सृष्टि के समस्त जड़ चेतन जीव उसका हिस्सा होते हैं। इसलिए हमारी परंपरा में जो हमारे महान नाटककार हुए हैं, अगर उनके नाटकों को हम देखें तो हमें ये पता लगेगा कि प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्ते को वो बार बार व्याख्याहित करते चलते हैं। हम इस उत्तर आधुनिक समय में प्रकृति से धीरे धीरे कटते गए, इसलिए प्रकृति के बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित हो गई है। हमें तो अपने इर्द गिर्द के पेड़ों के बारे में भी मित्रों पता नहीं होता कि ये किसका पेड़ है। हमें चिड़ियों की भिन्न भिन्न जो प्रजातियां हैं उनके बारे में पता नहीं होता, इसलिए हम ऋतुओं के भेद भी नहीं जानते, इसलिए हम मनुष्य देह के साथ उन ऋतुओं के कारण क्या परिवर्तन देह में होते हैं हम उससे भी कट गए हैं। विकास की जिस अंधी दौड़ में हम भाग रहे हैं मित्रों, और जिसके प्रतिरोध में
नाट्य को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हम वहां असफल हो जाते हैं। हम सिर्फ मनुष्यों के आपसी रिश्तों का जो खेल है, उसका जो घात प्रतिघात है, हमने अपने आप को वहीं तक सीमित कर लिया है। इसलिए ये भारतीय परंपरा में नाट्य करने वाले आधुनिक रंगकर्मी के सामने बड़ी समस्या आती है कि वो आधुनिक यथार्थ और अपनी परंपरा जो समग्रता को लेके खड़ी है उसके बीच में कोई कड़ी जोड़ नहीं पाता। उसका जो सबसे बुरा असर नाट्य के क्षेत्र में हुआ वो जिसे हम आज हिंदी क्षेत्र कहते हैं वहां देखने को मिलता है। ये जो 8-10 राज्य हैं जिन राज्यों में ये मान लिया गया कि उनकी भाषा हिंदी है, वहां हिंदी नाट्य खड़ा नहीं हो पाया। हमने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि ऐसा कैसे संभव है कि एक मराठी समाज, एक बंगाली समाज, एक कन्नड़ समाज, ओडिया समाज, पंजाबी समाज, वहां थिएटर खड़ा है और हिंदी जिसे हम कह रहे हैं कि ये पूरे उत्तर भारत की इतने राज्यों की 10-11 राज्य जिसमें आते हैं उनकी भाषा है, उन्हीं क्षेत्रों में नाट्य की स्थिति अच्छी नहीं, नाट्य समाज का हिस्सा ही नहीं बन पाया। क्या कारण है? क्या उसका एक कारण ये नहीं है मित्रों कि उन सभी समाजों की जो अपनी भाषा रही है, वो चाहे ब्रज हो, बुंदेली हो, बघेली हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, राजस्थानी हो, हमने उन समृद्ध भाषाओं को हाशिए पर डाल दिया और एक अर्जित भाषा को समाज के ऊपर हमने आरोपित कर दिया और इसलिए ये जो सबसे सशक्त विधा है वो विधा उन समाजों में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाई, क्योंकि उन समाजों की सारी परंपराएं, सारे अनुष्ठान, सारे मिथक, सारे विश्वास उन भाषाओं में अंतर्निहित है। और जब हमने उन भाषाओं को ही छोड़ दिया तो वो जो समाज नाटक देखने आता है वो उससे अपने आप को जोड़ नहीं पाता। इसलिए मेरा ये मानना है, और मैं तो क्योंकि इसीलिए अपनी भाषा में ही काम करता हूँ राजस्थानी में,
मेरा ये मानना है कि जो जिस क्षेत्र का, जिस परिवेश का रंगकर्मी है, उसे अपने परिवेश की भाषा को सबसे पहले मान देना चाहिए। अपने परिवेश के ऐसे नायकों को ढूंढना चाहिए जिनके जीवन में ऐसा कुछ घटित हुआ जो आने वाले पीढ़ियों के लिए उदाहरण योग्य होता है। ये काम रंगकर्म के क्षेत्र में सक्रिय मित्रों को करना चाहिए। भारतीय परंपरा में आलेख से प्रस्तुति तक की जो यात्रा है मित्रों, उसके चार स्तर बताए गए हैं। ग्रहणे, धारणे, ज्ञाने, प्रयोग। यानी एक नाटक जो नाट्य तक पहुंचता है, ये चार स्टेप्स हैं। ग्रहण करना, फिर उसे धारण करना, फिर उस पे मनन करना, ज्ञाने, और अंत में उसको प्रयोग के लिए ले जाना, प्रस्तुति करना। और नाट्य क्षेत्र में सक्रिय लोगों को ये समझना चाहिए कि जिस कार्य को करने में देवता भी अयोग्य है, अशक्त है, नाट्य करना, उस कार्य को वो कर रहे हैं। हमारी भारतीय परंपरा में ये लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा ने नाट्य वेद की रचना कर दी तो इंद्र से कहा कि देवताओं को इकट्ठा करो और अब इसका प्रयोग करो, जो मैंने ये पंचम वेद बनाया है। तो इंद्र ने कहा, देवता इस कार्य के लिए अशक्त है, अयोग्य है, नहीं कर सकते। ब्रह्मा अभिनेता के चार लक्षण बताते हैं क्या करना है। एक एक्टर को क्या होना चाहिए? कुशला, कुशल होना चाहिए, कौशल युक्त, विदग्धा, प्रगल्भ, जित श्रमा। हम आज काम करने वाले इन शब्दों को दूसरे आज की भाषा में समझते हैं, जित श्रमा, जिसने श्रम को जीत रखा है। हम सब जानते हैं कि एक्टर या थिएटर करने वाला टाइम का ध्यान नहीं रखता, वो काम जब करता है तो उसमें डूब जाता है।
वो अपने कौशल को और बढ़ाना चाहता है, कुशला, जो कौशल युक्त है। विदग्धा, जो विशेष रूप से जला हुआ है, यानी जिसकी भावना है या कि जिसकी संवेदनाएं बहुत सघन है, जो दूसरे के दुख को, दर्द को समझ लेता है। प्रगल्भा, जिसमें वाक चातुर्य है। ये एक्टर की स्वाभाविक चार विशेषताएं हैं जो आज भी परिवर्तित नहीं हुई है। हम आज भी ये नहीं कह सकते, 2500 साल हो गए नाट्यशास्त्र को लिखे हुए, हम नहीं कह सकते कि एक्टर को कुशल नहीं होना चाहिए या कि सघन संवेदनशील नहीं होना चाहिए या कि मेहनती नहीं होना चाहिए, वाक चतुर नहीं होना चाहिए। आज भी वो गुण एक्टर के लिए अनिवार्य माने गए हैं। विडंबना यह है कि हम अपने उस महत्वपूर्ण ग्रंथ को पढ़ते नहीं। और खास बात यह है मित्रों कि जब इंद्र ने यह कह दिया कि देवता अक्षम हैं, अयोग्य हैं इस कार्य को करने के लिए, तो ब्रह्मा ने कहा कि फिर इस कार्य को कौन कर सकता है। जो कार्य देवता नहीं कर सकते उसे कौन कर सकता है। तो इंद्र ने कहा इस कार्य को ऋषि कर सकते हैं, और उसका कारण बताया। ऋषि क्यों कर सकते हैं, जो कार्य देवता नहीं कर सकते वो कार्य ऋषि क्यों कर सकते हैं। इंद्र कहते हैं ऋषि गुह्य ज्ञान के ज्ञाता हैं, जो गहरा ज्ञान है उसके जानकार हैं, और दूसरा वो सुव्रती हैं। इसी से जुड़ा हुआ है मित्रों जो नाट्य का प्रमाण तीन मैंने कहे पहले, उसमें जो तीसरा प्रमाण है अध्यात्म। ये गुह्य ज्ञान क्या है, हमारे वेद कहते हैं सत्य का मुंह सोने से ढका हुआ है, यानी सत्य तक पहुंचने के पहले आपके सामने लोभ की, लालच की एक बड़ी परत है जो सत्य तक पहुंचने से रोकती है, उसका एक अर्थ ये किया जा सकता है। लेकिन ऋषि को सत्य तक पहुंचना है। आज भी हम जब नाटक करते हैं तो जिसे हम यथार्थ कहते हैं वो सत्य का ही एक रूप है, एक पक्ष है। तो हमें ये समझना होगा मित्रों कि हम किस परंपरा को संभाले हुए खड़े हैं। हम ऋषि परंपरा को संभाले हुए खड़े हैं। भरत ही क्यों आया, नाट्य शास्त्र जब ब्रह्मा ने देवताओं ने मना कर दिया तो फिर
भरत को बुलाया, क्योंकि एक संदर्भ ऐसा मिलता है कि भरत भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो ऋषियों की भी जो श्रेष्ठ परंपरा है, जिसकी परंपरा अल्टीमेट ब्रह्मा से मिलती है, उस ऋषि परंपरा को संभाले हुए हम खड़े हैं और हम उस गहन ज्ञान की खोज में लगे हैं। ऋषियों के लिए वो गहन ज्ञान आत्मज्ञान था, प्रकारांतर से मित्रों आज भी अभिनेता आत्मज्ञान की ही प्रक्रिया में जाता है। ये जो अध्यात्म शब्द है, हम अधिकांशतः ये मान लेते हैं कि अध्यात्म का अर्थ धर्म से जुड़ी हुई किसी बात का संदर्भ है, लेकिन अध्यात्म का अर्थ है मित्रों स्वभाव को जानना, अपने स्वभाव को जानना, जिसे हम स्वभाव कहते हैं कि ये मेरा स्वभाव है। हम कभी विचार नहीं करते कि ये शब्द कैसे बना है। स्वभाव, आपका अपना भाव क्या है। एक अभिनेता जब तक चरित्र के स्वभाव को नहीं जान लेता, तब तक वो उस चरित्र को अच्छी तरह से नहीं निभा सकता। और उसके साथ ही ये जुड़ा हुआ है कि उस अभिनेता को अपने स्वभाव का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि दो स्वभाव एक देह में स्थित नहीं होते। इसलिए भारतीय परंपरा में नाट्यशास्त्र ये कहता है कि अभिनेता जब चरित्र में जाता है तो वो पर काया प्रवेश करता है, और अभिनेता की सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि उसकी अपनी एक देह है, जिस देह के माध्यम से उसे एक दूसरी देह को रिप्रेजेंट करना है। तो इस देह का, जो मौजूदा देह है, उसका अपना एक ईगो है। उस ईगो को विड्रॉ करना पड़ता है। एज ए डायरेक्टर, हम में से अधिकांश मित्र जब काम करते हैं तो वो रिहर्सल के प्रोसेस में अचानक एक दिन एक्टर से कहते हैं, ये चाहिए, याद रखना ये चाहिए। अब वो क्या चाहिए, वो उस डायरेक्टर को क्या ऐसा अभिनेता में उस समय उस दिन दिखा कि उसने उस एक्टर से कहा ये चाहिए। वो उस अभिनेता ने अपने उस ईगो को पूरा विड्रॉ किया और वो करेक्टर निकल के बाहर आया जो उस डायरेक्टर तक पहुंचा, और उस डायरेक्टर ने कहा हाँ ये चाहिए, ये याद रखना। ये अलग बात है कि शो के दिन वो एक्टर उसको कितना याद रख पाता है, लेकिन हम में से जितने मित्र एज ए डायरेक्टर काम करते हैं, हम ये जानते हैं कि हम रिहर्सल के प्रोसेस में अक्सर अपने एक्टर से किसी एक क्षण में कहते हैं हाँ हाँ ये चाहिए, इसे याद रखना। खुद को विड्रॉ करना, खुद को विड्रॉ करके एक दूसरी देह को खड़ा करना जो उस पात्र की देह है, उस पात्र के भाव हैं और आपके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं। तो जब तक आप अपने आत्म को नहीं जान लेते,
तब तक आप अपने अहम का त्याग नहीं कर सकते। और पूरी की पूरी दौड़ मित्रों भारतीय ज्ञान परंपरा में आत्मज्ञान की है, देहिक सुख की नहीं है। समय जो निर्धारित समय है मित्रों वो पूरा हो गया है, बात तो हम और लंबी कर सकते हैं, अभी इस पे बहुत बात हो सकती है, फिर कभी ऐसा कोई समय आया तो हम जरूर इन मुद्दों पे बात करेंगे। आप सब लोग जो मेरे साथ आज के इस आयोजन में शामिल हुए, मैं आप सभी का आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा वो आपको अच्छा लगा होगा, रुचिकर लगा होगा। बलवंत ठाकुर का और नटरंग जम्मू का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें साझा कर सकूं। धन्यवाद।